तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? और आज है तारीख 10 अप्रैल और आज है झूलेलाल जयंती। तो आज गोंदिया में बहुत प्यारा माहौल है चेटी चंड का। तो उसी सिलसिले में आज अपन ने बहुत दिनों बाद व्लॉग बनाने का सोचे और फिर व्लॉग बना रहे हैं। और उसके बाद अभी 3 धमाल लगी है जहाँ तक कि सुना ही आया है अपने को। तो अपन आज तीनों धमाल का माहौल देखेंगे और अभी चलते हैं, अभी तो बज रहे 2, थोड़ा घूम फिर के आते कहाँ कैसा माहौल है, कौन से धमाल ने क्या क्या तामझाम बांधा हुआ है। बहुत सारा तामझाम है, जैसे दोस्तों ने बताया कि बहुत माहौल है आज गोंदिया में। तो अपन चलते हैं, व्लॉग में बने रहो, आशा करता हूँ कि व्लॉग में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलो मिलते हैं दोस्तों आगे। तो फाइनली दोस्तों अभी घर से निकल गए अपन और जा रहे हैं जहाँ पायल धमाल का सेटअप है। और बहुत कड़ाके की धूप है, रात को तो अच्छी बारिश आई हवा तूफान के साथ, बट अभी तो काफ़ी धूप लग रही है। तो अभी देखते हैं पायल धमाल के सेटअप के बाद जाके और वहाँ क्या तामझाम बंधा हुआ है, कैसा क्या है, हम आपको दिखाते हैं। तो व्लॉग में बने रहो दोस्तों। अपन जहाँ पायल धमाल का सेटअप है वहाँ पहुँच गए हैं और हम आपको दिखाते हैं अभी आगे से कि क्या तैयारी और फुल माहौल है भाई आज इधर। तो आपको बस दिखाएंगे अभी। देखो पायल धमाल का, ये देखो एक अलग ट्राला है दोस्तों, इसमें अलग साउंड बंधा हुआ है और शार्पी लाइट्स वगैरह बनना चालू है। उसके बाद एक और ट्राला और ये साउंड की गाड़ी। जैसा कि दोस्तों आपने अभी पायल धमाल का सेटअप देख लिए और इसके बाद जहाँ तक कि मुझे खबर लगी थी कि शुभम धमाल भी है, तो अपन अभी शुभम धमाल के सेटअप के पास जा रहे हैं। तो लगभग पहुँच गए जहाँ, जिस तरीके से मुझे पता है जहाँ खड़ी है शुभम धमाल की गाड़ी, बट वहाँ पहुँचे बट अपने को दिख नहीं रही है। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ आगे दिख रही है अपने को। चलो दोस्तों अभी आपको दिखा दे शुभम धमाल का सेटअप। तो दोस्तों ये देखो शुभम धमाल का सेटअप है, ये एक गाड़ी शुभम धमाल की और डबल साउंड में जहाँ तक के शुभम धमाल, और ये देखो ये दूसरी गाड़ी। दोस्तों अभी ये हो गया तो अपन अभी चलते आरएस धमाल का सेटअप देखने। तो चलो चले। फाइनली दोस्तों पहुंच गए अपन आरएस धमाल के सेटअप के पास। और एक बात तो है कि आरएस धमाल आज नया सेटअप लॉन्च कर रहा है, नया सेटअप भी बहुत काफी तगड़ा दिख रहा है। तो अपन दिखाते हैं आपका आरएस धमाल का नया सेटअप। और देखो दोस्तों आरएस धमाल का नया सेटअप और शार्पी बनना चालू है यहाँ पे अभी भी। और यहाँ हमारे नागपुर के भाई चिकू भाई। और चिकू भाव हो गया, उतर जा। कब पहुँचे? मैं तो 11 बजे आया। आ जाए। हाँ। भाव भी आए क्या? नहीं भाव नहीं आया। देख लिए दोस्तों आरएस धमाल का सेटअप और अभी चलते हैं अपन यहाँ से घर, क्योंकि अभी तो सब अपने अपने जहाँ तामझाम बन रहा है वहीं पर है और प्रोग्राम चालू होने को भी समय है। घर जाते हैं अपन, खाना वाना खाते हैं और अपने मित्र आयुष भाई एआर धमाल वाले वो भी कहीं बाहर गए हैं, वो भी आ रहे हैं थोड़ी देर में घर। फिर आयुष भाई के साथ मिलते हैं और आपको सीधा दिखा दे शाम का ताबड़तोड़ माहौल। तो चलो दोस्तों व्लॉग में बने रहो क्योंकि अभी हम लोग घर जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, उसके बाद ही दिखाएंगे इसके बाद का माहौल। तो जुड़े रहना दोस्तों। फाइनली निकल के अपन वापस पायल धमाल के सेटअप के पास आ रहे थे घर जाने की ओर, तो अपने को अपने भाई मिले सागर भाई, डीजे सागर, दुनिया में इनका डीजे लाइन में बहुत अच्छा नाम है। और ये भाई अपने तुमसर से है बोलते हैं। और डीजे मैं
नंबर डाल दूंगा इसमें नीचे में डिस्क्रिप्शन में सागर भाई का। गोंदिया में कभी भी डीजे लगे तो बिंदास कॉन्टेक्ट करे। चलो मिलते हैं दोस्तों। अपने को दोस्तों मिल गए अपने गोंदिया के सुप्रसिद्ध बैंजो मास्टर गुड्डू भाऊ। और गुड्डू को क्या हाल है? बस बढ़िया मुझे। और क्या बोलते हैं आज का माहौल कैसा? क्या माहौल? बढ़िया। जैसे कि अभी आपने देखे रात को तो माहौल ही रहेगा। तो चलो मिलेंगे दोस्तों अब रात को। तो दोस्तों हो गए अभी अपन रेडी और निकल रहे हैं मजमा देखने। और अपने साथ है अपने यार धुमाल चैनल के एडमिन आयुष भाई। अब बढ़िया होंगे भाई लोग। भाई लोग तो माहौल देखने के लिए तैयार होंगे आज का। आज तो बहुत जोरदार माहौल है तीनों धुमाल में बिल्कुल। बस देखते हैं अभी शाम 5 बजे कैसा माहौल पूरा ब्लास्ट होने वाला है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है हर धुमाल में एक से एक शार्पी बम। जैसे कि आपने देखे व्लॉग में शुरू में 30 पेड़ से ऊपर ही बांधे। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अपन आगे। दोस्तों जहाँ से चेटी चंड का माहौल चालू होता है उस चौक पे आ गए अपन गोंदिया के शंकर चौक पे। बट फिलहाल यहाँ पे अभी कोई धुमाल नहीं आई है, सिर्फ पायल धुमाल के लड़के लोग दिख रहे हैं। और हमारे बड़े भाई पायल धुमाल के कासा मास्टर भी दिख रहे हैं यहाँ पे। और क्या हाल है राकेश भाई? और मेरे बड़े भाई कैसे हो राकेश भाई? और ये सब पायल धुमाल के भाई लोग बैठे अपने। तो चलो चलो मिलते हैं। Please.
तो काफी अच्छा माहौल था, बट बारिश आ गई है और बारिश बहुत तेज से आ रही है। दिखाता हूँ, मैं भी गिला रहा हूँ, साउंड तो बंद हो रहे धीरे धीरे, बस पीछे आरएस धूमल चालू है। आरएस धूमल का माहौल दिखाता हूँ दोस्तों मैं आपको। पता चला कि पायल रुमाल अभी तक के चालू नहीं है, अपन जा रहे हैं वापस पीछे पायल रुमाल की ओर। बारिश चालू हो गई है और पायल रुमाल की ओर तरफ जा रहे हैं अपन। शुभम रुमाल और अपना इसका शूट तो हो गया है, अपने पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, देखते हैं पायल रुमाल कहाँ लगी और मिलते पायल रुमाल के पास। देखो दोस्तों, जहाँ से मजमा निकलता है वहाँ से देखो पायल धुमाल का सेटअप अभी पहुँचा है। कहीं गाड़ी फंस गई थी लोगों की, तो उनका सेटअप देखो अभी आ रहा है। बाकी सब धुमाल बहुत दूर जा चुकी है और सेटअप अभी आया है। तो काफ़ी तामझाम है आज, ट्रेलर में बंधा हुआ है। देखो जहाँ से चालू होता है वहाँ अभी जस्ट पहुँचा है। तो चलो दोस्तों मिलते आगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।